रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, चलिए तो आज एक अनोखी सी डिश बनाते हैं। नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, दोबारा आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बनाएंगे अफगानी चिकन। चलिए, बड़ा ही आसान सा तरीका है इसका बनाने का और मिनटों में बन जाता है। चलिए तो हम इसकी तैयारी शुरू करते हैं। हम आज इस्तेमाल करेंगे तकरीबन 900 ग्राम चिकन। इसके साथ में हम इसका मैरिनेशन कह लो या मसाला कह लो बना लेते हैं। आपने एक मिक्सर में एक कप हरा धनिया, फ्रेश हरा धनिया शामिल कर देना है। साथ में आपको ज़रूरत है तकरीबन 12 से 14 हरी मिर्चें। हमने फीकी हरी मिर्चें इस्तेमाल करी, अगर आप तेज़ हरी मिर्चें इस्तेमाल करते तो आपने तकरीबन 10 कर ली है। साथ में 14 कैशू, 5 से 6 इलायची और 2 लौंग, 2 बड़े चम्मच कसूरी मेथी। इसके बाद हमने 2 मीडियम साइज प्याज, चाहे तो आप स्लाइस कर लीजिए, चाहे तो आप रफली चॉप कर लीजिए। अब हमने इसमें डालना है 1.5 से 2 चम्मच जिंजर और गार्लिक की पेस्ट। और अब सबसे ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स 2 चीज़ें हैं, दही। आज हमने इस्तेमाल किया तकरीबन 50 ग्राम दही। और सबसे आखिर में है क्रीम, डेयरी क्रीम। ये आपको बाज़ार से बड़ी आसानी से मिल जाएगी। आज हमने इस्तेमाल किया तकरीबन 75 ग्राम डेयरी क्रीम। अब हमने इसमें नमक शामिल कर देना है। ध्यान रहे कि आपने पूरा नमक शामिल नहीं करना इस वक्त डिश में, मैरिनेशन में। तकरीबन आधा नमक आप इस्तेमाल कर लीजिए मैरिनेशन के लिए। इसको आपने ढक्कन लगाकर पीस लेना है। बड़ा ही खूबसूरत, खुशबूदार एंड बहुत ही खूबसूरत रंग इसमें आ जाता है मैरिनेशन में। अब ये सारा मैरिनेशन जो है आपने चिकन पर डाल देना है। इसको अच्छी तरीके से मसलिए, चाहे तो आप हाथ से कर लीजिए, चाहे तो आप स्पून से कर लीजिए। चिकन को हमने मसाला लगाकर तकरीबन 3 घंटे के लिए एक ठंडी जगह पर ढक्कन लगाकर छोड़ देना है मैरिनेशन के लिए। जी, हमारा चिकन जो है मैरिनेशन रेडी हो गया है। अब हमने चिकन को मैरिनेशन से अलग कर लेना है। हमें फ़िलहाल मैरिनेशन की ज़रूरत नहीं है। पहले हम चिकन को हल्का सा फ्राई कर लेंगे पैन में। इसके लिए हमने चिकन को एक पैन में या एक प्लेट में अलग कर लेना है। अब आपने एक खुले पैन में तेल गरम कर लेना है। तेल जो है आपको शायद ज़्यादा नज़र आ रहा है, अब ये शैलो फ्राइंग के लिए हम तेल इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी तेल में हमने चिकन को भी पकाना है। ध्यान से सुनिए इस आवाज़ को, इस तरह की आवाज़ आनी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपकी फ्लेम को हाई रखना है। हम इस वक्त बेसिकली चिकन को पका नहीं रहे, चिकन को एक आउटर कवरिंग या लेयर दे रहे हैं। इस वजह से आपकी चिकन की जूसेस अंदर ही सील हो जाएंगी और चिकन बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और टेंडर लगेगी पकने के बाद। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट एक साइड पे आप इसको अच्छी तरीके से सॉटे कर लीजिए, फ्राई कर लीजिए और अब आपने इसकी साइड्स पलट लेनी है। देखिए कितना खूबसूरत सा रंग आ गया है। हमारा मकसद है, हमने चिकन को पकाना नहीं है, फ्लेम को आपने मीडियम से हाई रखना है। स्लो फ्लेम पर आप चिकन को कलर नहीं दे सकते, चिकन की जूसेस रिलीज हो जाएगी। तो बस आपका चिकन जो है वो हल्का सा एक 20% कुक हो गया है। अब आपने चिकन को हटा लेना है एक अलग से प्लेट में। अब हम इसके जो मैरिनेशन बचा हुआ था चिकन को वो पकाएंगे। बिल्कुल आपको किसी एक्स्ट्रा ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हमारे डिश में दही है, क्रीम है, तो ये अपना ऑयल आसानी से रिलीज कर देगा आपकी डिश में। इस मसाले को हमने तकरीबन 5 से 8 मिनट तक चलाते रहना है, सौते करते रहना है, बिकॉज इसमें कच्चा प्याज है, जिंजर है, गार्लिक है, वो पकाना हमारा मकसद है। उसकी जो कच्ची हमक होती है वो ख़त्म करना हमारा मकसद है। उसके बाद आपने इसमें हल्का सा पानी डाल दीजिए। हमने ज़्यादा ग्रेवी नहीं बनानी, इसको मसाला टेक्सचर का रखना है। अब इस स्टेज पर आने के बाद आप इसमें हल्का सा नमक शामिल कर दीजिए। अब सबसे आखिर में आपने इसमें चिकन डाल देनी है। कितना खूबसूरत रंग है देखिए,
चिकन की लाली और जो ग्रीन मसाले का बेस है। अब आपने इसको ढक्कन लगाकर तकरीबन 30 मिनट के लिए पकाना है। इसके बाद आप इसमें गरम मसाला शामिल कर दीजिए। दोबारा हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि गरम मसाला हम सबसे आखिर में डिश में शामिल करते हैं, बिकॉज इसमें बहुत ही नाजुक से जायके और अरोमा होता है। आप इसको मिला लीजिए और ढक्कन लगाकर एक 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। लीजिए आपका लजीज जायकेदार बड़ा ही उम्दा क्वालिटी का अफगानी चिकन तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये रमज़ान स्पेशल डिश पसंद आई होगी। हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप हमारे इस नए चैनल को बहुत सारा प्यार दें, अपने यार दोस्त फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। चलिए तो अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खूब सारा आराम कीजिए। दोबारा बहुत जल्द मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे YouTube चैनल पे वक्त बिताने के लिए।